करे। पूरे आलम इस्लाम से जितने लोग हज को आए उन अल्लाह तआला सबके हज कबूल करे, उनकी दुआओं को बख्शे का इजाबत करे, बख्शिश अदा करे, हमारी कोताहियों से दरगुजर करे। अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत करे, आपकी जवानियों में बरकत करे, आपके रिज़्क़ और सेहत में बरकत करे। अल्लाह ताला दुआ है कि हमारे ईमान में बरकत करे। सफों में खड़े होने से पहले मैं आपको ईद की तरतीब बता दूँ। पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद या तकबीर इंतकाल से शुरू, जो इमाम पहली तकबीर कहता है जिससे नमाज शुरू होती है, अल्लाह अकबर करेंगे और फिर सना पढ़ेंगे और फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इमाम तीन तकबीर कहें। पहली दो तकबीरों पर आपने हाथ कानों तक लेना है और गिराना है, तीसरी तकबीर पर आपने हाथ बांधने हैं। रकात मुकम्मल होगी, पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके बाद कोई सूरत। जब दूसरी रकात में हो तो इमाम पहले सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई सूरत। रुकू में जाने से पहले चार तकबीरें कहें। पहले तीन तकबीरों पर हाथ कानों तक लेना है और छोड़ देना है, चौथी तकबीर पर रुकू में जाना है। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और मेरी गुजारिश है कि आप खुतबे के बगैर मत जाइए। और दुआ इसलिए भी जरूरी है कि दुआ की जिसको तौफीक होती है अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाजे खोलता है। बिस्मिल्लाह करिए, सफ़ों को दुरुस्त कीजिए, सफ़ों में खड़े हो जाइए।